हेलो लीडर्स, मैं इस वक्त हूँ छपरा में और छपरा में एक मैजिकल रिजल्ट मुझे देखने को मिला है। कितना साल? 25 साल पुराना ना, 25 साल पुराना माइग्रेन ठीक हो गया सिर्फ 2 महीनों में। क्या करके, आप इन्हीं की जुबानी सुनिए, क्या करके, क्या खा करके 25 साल पुराना माइग्रेन, ना जाने कितने डॉक्टरों को दिखाया, ना जाने कहाँ कहाँ गए, कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसी चीज खाई, कुछ ऐसी चीज किया जिसकी वजह से 2 महीने में माइग्रेन पूरी तरीके से ठीक हो गया। तो मैं बैक क्या, तो हमारे साथ भैया दीदी हैं, तो जरा बताइए, शुरुआत कीजिए दीदी, आप शुरुआत कीजिए। आपको माइग्रेन था ना जी? मुझको 25 साल पहले से मैं बबीता सिंह छपरा से, मेरा सर का दर्द कम से कम 25 साल पहले शुरू हुआ था और ठीक नहीं हो रहा था। दवा बहुत खाए और शादी के बाद एक लड़का भी हमको हुआ, उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ था। दर्द हो गया तो मैं सप्ताह में 3-4 टेबलेट, किसी किसी दिन तो माने कि 2-3 टेबलेट खाते थे। अच्छा, दर्द का? दर्द का फिर भी नहीं ठीक होता था। ठीक है। और लगातार कम से कम एक सप्ताह क्या 15 दिन तक पूरा आँख काला हो जाता था, इतना दर्द रहता था। 15 दिन तक लगातार? लगातार, कभी कभी जब पढ़ाई करते थे उस टाइम, कॉलेज के टाइम में। अच्छा। उसके बाद हम सिलाई भी सीखे हुए हैं, पेंटिंग एप्लिक सब करते थे। ओके। हाँ, फिर भी हमारा दर्द काफी मैंने खत्म नहीं होता था, लेकिन हम छोड़ते नहीं थे, हम सीखते ही जाते थे अपना। शादी के बाद हम घर में बैठ गए। सुबह भैया भी काफी कुछ ऐड कर रहे थे, सुबह जो आप बता रहे थे वो बताइए मुझे। सर, हमें तो खुशी बहुत हुई कि मेरी शादी हो गई आज के युग में। लेकिन 15-20 दिनों के बाद मालूम चला कि माइग्रेन है। मतलब सर में दर्द हुआ तो पहले तो हम लोग को थोड़ा घबराहट हुई कि क्या बात है सर, इस तरह का दर्द होता नहीं है। लेकिन जांच कराने के बाद मालूम चला कि माइग्रेन की शिकायत है। तो उस समय से 10 दिसंबर 1999 को मेरी शादी हुई थी, हमको लगता है कि जनवरी में 2000 में ये चीज संभवतः मालूम हो गया था हम लोग को। ओके। अपने हिसाब से बहुत सारे डॉक्टर और बिहार के जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं उनसे भी हमने दिखा चुका, जो कि अभी इंडिया में नहीं भी है, कहीं बाहर अभी का प्रैक्टिस हो रहा है। सुबह आप जो बता रहे थे कि बिहार के सबसे बड़े डॉक्टर थे वो बाद में इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए, उस समय के रमेश चंद्रा जी बहुत बड़े डॉक्टर थे। ओके। उन लोगों से ही लोगों ने दिखाया। फिर एक और डॉक्टर थे आपके, क्या नाम था उनका, कौन देव, जो वहाँ थे असियाना में जो रहते थे, जो आप सत्येंद्र बाबू के थे, सूर्यदेव नारायण ऐसे करके था, उन बहुत सारे डॉक्टर यहाँ छपरा में भी हम लोग दिखाए। सर, 2017 में एक डॉक्टर हमको बताया कि आप ऐसा कीजिए कि इतने दिनों से आप दवा खिला रहे हैं, तो आप जो दवा खा खिला रहे हैं ना, तो पत्नी को मार रहे हैं। आप ऐसा कीजिए कि पेन किलर का डोज कम कर दीजिए, यानी जो सेरिडोन आता है, पेन स्टार्ट होने से पहले जैसे ही सिम्टम समझ में आ जाए आप खाना शुरू कर दीजिए। नहीं तो 4-4 टेबलेट 3-3 टेबलेट अगर आप खिलाते हैं तो आप इनके लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 2017 में सर, मतलब जब भी दर्द हो तो पेन किलर देते रहिए। हाँ, देते रहिए। ओके। तो हम लोग उसको स्टार्ट किए कि जब पेन होने से पहले जब देना शुरू किया तो थोड़ा रिलीफ होना शुरू हो गया। इसी बीच में सर 2021 के इसी अगस्त के महीने में, नहीं सितंबर के महीने में, सितंबर 19 को मैं राजस्थान गया था जोधपुर सर। एक फेसबुक पर हमने पोस्ट डाला था एक हॉस्पिटल में जहाँ पे हम अपना स्पाइनल को दिखाने गए थे। वहाँ एक फेसबुक पोस्ट को देखकर संतोष सर, आपके मुगल सराय के जो हैं, उन्होंने हमको कॉल किया और बोला कि आप जोधपुर में राजस्थान में क्या कर रहे हैं। हमने कहा ऐसे ऐसे बात है। बोले आप बनारस होके गए होंगे। बिल्कुल। तो आप ऐसा कीजिए कि उधर से आइए तो याद कीजिए और हम भी रहते हैं। तो जब हम 28 सितंबर को उधर से लौट के आए राजस्थान से बनारस, 28 सितंबर को इनके पास गए, जैसे सर आप अभी मेरे पास है उसी तरह से। कोई जानकारी हमको नहीं थी कि सर ओके लाइफ केयर या किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, मुझे बस मालूम था कि इनका अपना व्यवसाय है और बहुत अच्छा काम करते हैं, तो बस यही हमको जानकारी थी। इन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि गूगल और एक कैल्शियम D3 के साथ है, उनका कैल्शियम तो हम 2003 से ही खा रहे हैं, ये खाना क्या खाना, ठीक है आप खा रहे हैं तो मेरा खा लीजिए, सस्ता है। तो थोड़ा ब्रीफिंग किए तो हमको लगा कि नहीं सस्ता है, और गूगल बोल रहे हैं तो आयुर्वेद है तो नुकसान तो करेगा नहीं, तो हमने कहा ठीक है। उसी बीच मेरी पत्नी जो है किचन में, इनकी भी मिसेज से बात कर रही थी। okay. तो कहीं से सुनाई दे दिया कि ये संतोष जी जो है ना गूगल और कैल्शियम दे रहे हैं, यानी कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं इनका। इन्होंने कहा कि क्या कोई सर के दर्द का भी कोई दवा है? तो इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, तो बट थोड़ा कॉस्टली है। मैंने कहा कितना कॉस्टली है? सीटी स्कैन एम आर आई से तो कॉस्टली नहीं है। तो हमने कहा तो ऐसा है कि आप दे दीजिए, इसलिए कि हम केवल दवा खाएंगे या नहीं खाएंगे, कहीं मेरा ठीक हो गया इनका नहीं ठीक हुआ तो ये भी अफसोस रहेगा। हम कहा चलिए आयुर्वेद है नुकसान तो करेगा नहीं, तो ले लेते हैं।
तो सर हमने इनसे लिया ब्रेन फ्यूल, एक ब्रेन फ्यूल दिया एक डब्बा, ओके लाइफ केयर का ब्रेन, ओके लाइफ केयर का, एक ओमेन पावर, ठीक है। वहां से लेकर सर मैं आया, लेकिन एक सप्ताह 10 दिन तक हम कुछ नहीं उसको खा पाए, इसलिए कि दिवाली आ गया था तुरंत, अक्टूबर था, अक्टूबर था तो उसके बाद छठ था, तो छठ में इनको पूजा वूजा करना। तो ब्रेन फ्यूल और वुमेन पावर का डब्बा भी आप दिखाना चाहेंगे? हाँ एक बार जरा दिखाइए। ब्रेन फ्यूल का डब्बा तो शायद अभी तक हम रखे हैं, ओके, और वुमेन पावर भी ले लीजिए। और इससे तो इतना इंस्पायर हुआ कि इसका काम भी मतलब हम ये ब्रेन फ्यूल है जी सर, ओके लाइफ केयर का ब्रेन फ्यूल, जिसकी वजह से 25 साल पुराना माइग्रेन ठीक हो गया और साथ में ये मोमेंट पावर दिया था, ओके लाइफ केयर का, ओके। तो इसको सर 2 महीने जब हमने दिया उसके बाद में इनको जनवरी के बाद एक भी दिन पेन नहीं हुआ सर, इनफैक्ट मतलब सिर्फ 2 महीने में इतने साल पुराना पेन बंद जी सर। और अभी कितना टाइम हो गया जब आपने ओके लाइफ केयर का ब्रेन फ्यूल खा पूरी तरह से खा के आप छोड़ा है? 8 महीने हो गया। 8 महीने तक भी अब कोई कुछ भी नहीं, मतलब अब आपको लगता ही नहीं है कि आपको कभी माइग्रेन था? और पहले के टाइम में जब माइग्रेन का दर्द होता था तो दर्द में क्या फीलिंग आती थी, कैसा? बहुत ज्यादा दर्द, इतना दर्द हो गया। और ये दर्द आपने 25 साल तक झेला, अलग अलग डॉक्टरों को भी दिखाने के बाद भी कोई इलाज नहीं हुआ? ऐसे कैसे इसके हम दीवाना हो गए, कैसे कैसे काम करने लगे इसमें? अच्छा खुद काम करने लगे। होम्योपैथ में भी बिहार के सबसे टॉप डॉक्टर सर भी भट्टाचार्य से इनका ट्रीटमेंट, ओके, उनसे भी आराम मिला। ओके मतलब जो दुनिया भर के डॉक्टर नहीं कर पाए, एक ब्रेन फ्यूल का छोटा सा, ओके, इसको रामबाण समझते हैं। इस दवा को बनाने वाले के बारे में जब संतोष सर हमको बताया सर, तो मैं स्पेशल मिलने गया था उनसे, मुगल सराय के अंदर एक मीटिंग थी उनकी विक्राम सर का, मैं केवल उनका उनको देखने गया था कि कैसे व्यक्ति है, कैसा पर्सनैलिटी है, क्या इनका है, कि इनको कल देखना। बस हम ट्रेन से गए थे बनारस और इनसे मिल करके वहाँ पे हमने विक्राम सर से मिले थे, क्योंकि ब्रेन फ्यूल ये आदमी हमको बनाया और हमारे परिवार को आज के डेट में ठीक कर दिए। और इससे इतना इंस्पायर है हम लोग सर कि मेरे जितने लोग हैं छपरा के साथ सबको हमने बताया है छपरा के अंदर और पटना में भी, ओके, पटना में भी, तो अभी तक 40 से ज्यादा आदमी को हम अलग अलग क्षेत्रों में सर बताए हैं, अलग अलग डिजीज में। आपको सर शायद आपको भी बिलीव होगा कि नहीं होगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 40 में 40 का रिजल्ट है सर, चाहे क्षेत्र जो हो। क्या ये ब्रेन फ्यूल की बात कर रहे हैं? ब्रेन फ्यूल हो या फिर मधुमेह हो या फिर कोई पेन का प्रॉब्लम हो, जैसे इस तरह बेरी पल्स से मतलब बहुत लोगों को आराम हुआ है, बहुत 40 के 40 में रिजल्ट है। अच्छा मधुमेह वाला क्या बता रहे हैं? डायबिटीज बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, तो उसका क्या? 2021 में सर एक मेरा लड़का है जो मेरा काम करता था, उसको ये हो गया था, कोरोना हो गया था सर, अटेंडेंट 35-37 वर्ष उम्र होगा सर, उसको लगभग 700 के करीब शुगर हो गया था, पर डे उसको 3 इंसुलिन पड़ता था, उसके बाद कुछ अलग से कुछ मेडिसिन उसको दिया जाता था शुगर को कम करने के लिए पटना के अंदर में, 12 लाख सर खर्च हुआ था कोरोना में उसका। उसने एक दिन चर्चा किया तो हमने कहा कि 12 लाख खर्च कर दिया तो तुम एक काम करो, मेरे तरफ से मामा कहते हैं तो मेरे तरफ से गिफ्ट है, काम तो करेगा नहीं, इसमें पढ़ लो क्या क्या डाला हुआ है। वो पढ़ा, आज के डेट में टीचर भी है सर। तो ये 12 लाख डायबिटीज के लिए खर्च कर दिया उसने, डायबिटीज से बचने के लिए? सर उसको कोरोना हो गया था, उसमें बहुत बुरा हालत हो गया था कि उसी पीरियड में उसको डायबिटीज बढ़ गया सर। अच्छा अच्छा, और लगभग 700 के करीब डायबिटीज चल गया था, डॉक्टर आश्चर्य कर रहा था 700 डायबिटीज, ओके। उसको कोई इंजेक्शन ऐसा पड़ता था जिसको डालने के बाद उसको बहुत बेचैनी हो जाती थी, खास करके बता रहा था कि मैं पैखाने के रास्ते में इतना ज्यादा जलन होता था कि लगता था कि हम इससे अच्छा तो मर जाए, ओके सर। तो ये सब जो हमने सुना तो हमने उसको बताया कि ऐसे ऐसे बात है, मामी को ठीक हो गया माइग्रेन से, तो उसी कंपनी का प्रोडक्ट है तो कुछ तो जरूर होगा, डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा, तुम खा कर देखो। उसने सर खाया और आज के डेट में सर आज तो आ नहीं पाया है सर, उसका जॉब है किसी कारण से, लेकिन अभी तक 6-7 कॉल पड़ चुका है कि सर से मुलाकात नहीं हुई और हम नहीं है, इसलिए बहुत दुखी है। उसको बहुत ज्यादा रिलीफ हो गया सर, 240 के आसपास हो गया सर से मिलवाए भी थे, 240 आ चुका है। और ये कितने दिन में हुआ? ये हो गया था, एक डब्बा के बाद का है, दूसरा डब्बा भी खा रहा है सर, तीसरा डब्बा जस्ट जाने वाला। ये कौन सा प्रोडक्ट आपने ओके लाइफ करके दिया था इसके लिए? मधुमेह सर, मधुमेह का जो डब्बा आता है बेरी पल्स मधुमेह, यूरिक एसिड का भी प्रॉब्लम था तो सर ने बताया था संतोष सर, तो यूरिक एसिड भी हम लोग दिए थे उसको, ओके, गूगल दिए थे
एक आरोग्य बट्टी okay, और जितना यहाँ पे लोगों को हम लोग डायग्नोस करते हैं वो सब संतोष सर से एडवाइस लेके करते हैं या फिजिकली या टेलीफोनिक। तो मतलब पहले आप खुद पेशेंट थे और अब पेशेंट इस तरीके से ठीक हुआ है, पेशेंट अब डॉक्टर बन चुका है और डॉक्टर भी ऐसा बना है कि अपने बने हुए पेशेंट को ठीक भी कर दे रहा है और वो भी 100% रिजल्ट के साथ। हाँ, गारंटी के साथ हम लोग बोलते हैं ओके लैब का केयर का आप यूज कीजिए। उसके बाद हमको बोलिए 2003 से सर ये स्पाइनल में प्रॉब्लम होने के बाद इसमें बहुत ज्यादा झंझनाहट रहता था, 4 से 5 मिनट अगर मैं बैग चलाता था ये वाला खोलने में हमको बहुत तकलीफ होती थी और यहाँ से पटना जाता था तो मेरा कमर इतना लॉक हो जाता था कि 2-3 जगह मैं उतरता था सर रास्ते में कार से। ओके, बाइक का तो छोड़ दीजिए। तो ये तो लगभग 80% 70% ठीक हो गया सर, ये झंझनाहट जो है। और अभी पटना जा रहे हैं नॉन स्टॉप सर। ओके, अब कुछ नहीं होता? मैं खुद स्वस्थ हो गया है, शायद मेरे कारण कोई दूसरा भी स्वस्थ हो जाए, बस यही कारण है। और ऊपर में भी हमारे जहाँ मैं बैठा हूँ एक महिला को हम लोग स्वस्थ किए हैं। उनका क्या था? उनको सर कुछ मुझे तो कमर में मालूम था कि कमर में उनको पेन है बट उनको और कुछ यूटीआई का जो गायनो का कुछ प्रॉब्लम था तो सर उनको बहुत सारा प्रोडक्ट दिए, 3-4 प्रोडक्ट दिए जो कि 3 महीने खाने के बाद गायनो का तो 100% बोल रही है कि मेरा खत्म हो गया है। अच्छा, और पेन भी 50% से अबव खत्म। और ये कितने दिन हुआ? वो हमको लगता है 3 महीने उनका चला है दौर सर, 3 महीने 50% पेन खत्म और गायनो वाला प्रॉब्लम बता रहे हैं पूरी तरीके से ठीक हो गया। वो तो बोल रहे हैं अपने मुंह से सर। ओके, मैं 100% खत्म हो गया। ये तो मुझे डायबिटीज और आपका ब्रेन फ्यूल माइग्रेन वाला तो बहुत शॉकिंग लगा। रियली सर, रियली सर। Okay. अभी सर 10 दिन के बाद एक और रिजल्ट बताएंगे, अपने बड़े भाई को हम दे रहे हैं सर। जी सर, तो उसके बारे में हम बताएंगे सर। उनका हाथ में कंपन था, शुगर भी है तो उनको बताने में मोटिवेशन में थोड़ा समय लग गया लेकिन उनको हम दिए हैं तो सर अभी तक कोई फोन नहीं आया, इट मीन्स वो ठीक है। Okay. लेकिन अभी मीटिंग के कारण उनसे बात नहीं किए, कल या परसों उनसे मिलेंगे सर। मधुमेह वंडरफुल, थैंक यू। अगर और ठीक हो जाएंगे तो सर बिहार के मुख्यमंत्री तक मेरे आपके लाइक शेयर चल जाएंगे क्योंकि डायरेक्ट उनके साथ वो करेंगे। अरे वाह, ऑसम, सुपर, थैंक यू वेरी मच।